कैसे हो आप सब लोग, आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। रेडी हो चुके हैं, अपने आंगन के पास खड़े हैं, अभी काम चला जोर शोर से। फिलहाल मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ अपने घर के अंदर का जो भी काम है, जो आपको जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था वैसे मैं आपको दिखाऊंगा। अभी घर के अंदर क्या काम चल रहा है, कितने रूम्स हैं, क्या हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में और इन्जॉय कीजिए। सर कि ये है घर हमारा और ये है यहाँ का एरिया और ये है हमारा पूरा पूरा बालकनी, एक तरीके से बोल सकते हैं। यहाँ से आपको पूरा व्यू दिखाई देगा। तो यहाँ पे अभी दो तीन पहले लेंटर पड़े, यहाँ पे उन्होंने पूरा मसाला डाल दिया है और यहाँ से आपको पूरा व्यू दिखाई देगा। तो ये हमारे खेत हैं, ठीक है, और यहाँ से आपको पूरा व्यू दिखाई देगा, वहाँ से रोड है, ठीक है। तो ये अभी काम हो चुका है यहाँ का और यहाँ पे हमारा आग जलाने का भी हो गया। फिलहाल अभी यहाँ पे एक और चीज़ बिछेगी उसको प्लेन करने के लिए, तो सोच रहे यहाँ पे टाइल्स लगाने का। तो ये एरिया पूरा टाइल्स का लगेगा, तो यहाँ पे भी टाइल्स लगेंगी और यहाँ पे फॉर सीलिंग पे आप देख रहे हो तो यहाँ पे लाइट्स वगैरह लगा चुके हैं इन्होंने। तो यहाँ पे एक लाइट है, यहाँ पे दो लाइट है, ठीक है, ये डिज़ाइन है और यहाँ बेल का। सो ये हमारा डोर है, ठीक है, डोर हमारे लग चुके हैं। तो हमने अभी जो डोर लगा रखे हैं वो इस टाइप के डोर लगाए हैं, ठीक है, नए डिज़ाइन से। तो ये है और यहाँ पे आप देख रहे हो हर जगह आपको वेंटिलेशन मिल जाएगा, पूरी जगह वेंटिलेशन है, ठीक है। और ये है हमारा बाथरूम, जो बाथरूम का भी काम होना है अभी, ठीक है। तो कपड़े वपड़े रखे हुए हैं अभी वैसे ही, बट ये बाथरूम हमारा काफ़ी बड़ा ऊंचा, काफ़ी बाथरूम का सीलिंग काफ़ी ऊंची है। तो ये हमारा डिज़ाइन है अभी फ़िलहाल और यहाँ पे क्या होने वाला है वो आपको बाद में मालूम होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्लान है कि जैसे आप देख रहे हो ये शावर का है पूरा एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे गीज़र वीज़र सब लगेगा इस एरिया पे, ठीक है। ये है हमारा बाथरूम और इसी साथ हम चलते हैं। ये हमारा एक रूम है यहाँ पे, ये जो रूम है ये रूम नहीं एक्चुअली ये किचन है। तो यहाँ पर टफी सो रखा है अभी, तो ये हमारा एक तरह का किचन रहेगा। जो हमारा कंसेप्ट है वो ये है कि ये है मम्मी का किचन एरिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा एरिया किचन का रहेगा, ठीक है। और यहाँ बीच में यहाँ बनेगा पूरा का पूरा डाइनिंग एरिया खाने का, ठीक है। डाइनिंग टेबल यहाँ बनेगा, ठीक है, डाइनिंग टेबल यहाँ बनेगा, यहाँ पर चेयर वगैरह लगेंगी, 10-12 लोगों का खाना पीना यहीं पर ही होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे भी डोर्स वगैरह लग चुके हैं और ये जो एरिया है आप देख रहे हैं ये पूरा शीशा लगेगा, इस एरिया में पूरा शीशा लगेगा, ठीक है, ये कवर होगा। तो आपको मैं कुछ दिखाता हूँ, जो ये दीवार देख रहे हो ये दीवार हमारा घर पहले यहीं तक ही था, ठीक है, अब इसको एक्सटेंड कर दिया हमने पूरा आगे तक। तो अभी यहाँ पे खिड़कियाँ भी लग चुकी हैं, जालियाँ लगेंगी डबल साइडेड, दो डोर उस तरफ, दो डोर इस तरफ, जो दो डोर इस तरफ होंगे वो लगेंगे जाले वाले और दो तरफ उस तरफ लगेंगे वो शीशे वाले, ठीक है। तो ये है और आप देख रहे हो ये पूरा एरिया हॉल एक तरीके से, ठीक है, जैसे आपने ब्लॉग में देखा ही होगा। तो यहाँ पे लाइट्स वगैरह हर जगह आपको मिलेंगी, लाइट्स वगैरह हर जगह आपको फॉर सीलिंग की, ठीक है। और फिलहाल ही मम्मी यहाँ पे हैं, मम्मी ने यहाँ मंदिर बना रखा है और ये हमारे एक रूम है, ठीक है। यहाँ पे अभी देख रहे होंगे यहाँ पे अभी डोर्स वगैरह लग चुके हैं और यहाँ पे दो साइड डोर लगेंगे जैसे अनुसार आपको बताया मैंने। तो यहाँ पे इस साइड लगेगा बाहर लगेगा शीशा वाला और अंदर लगेगा चाली वाला। तो ये है एक रूम, ये है यहाँ पे भी लाइट्स के भी जगह दे दी हैं, तो अभी इस रूम में भी काम होना है। तो एक रूम ये है, ठीक है, रूम भी काफ़ी बड़ा है। इसके बाद हम सीधे चलते हैं दूसरे रूम की तरफ और ये है एक और रूम, अभी एक और रूम है हमारा। ये जो रूम है ये बंद है भाई, चलो भी लाइट नहीं है यहाँ पे, ये भी एक रूम है, सेम साइज़ है और ये हमारा रूम है। तो टोटल मिला के यहाँ पे अभी दो रूम है और एक वॉशरूम है और इसी चलते हैं हम यहाँ पे सीढ़ियों की तरफ। और ये है यहाँ पे लग चुके हैं रेलिंग सारी लग चुकी है अभी यहाँ पे, ठीक है। और ये है सीढ़ियाँ और ये एरिया यहाँ पे रहेगा इन्वर्टर वगैरह इस एरिया में, जो भी आपको रखना है स्टैंड शू स्टैंड वगैरह वो इस एरिया में पूरा कवर रहेगा। तो इसके बाद हम आते हैं ऊपर, यहाँ पे भी लाइट्स वगैरह अभी सीन अभी लगने वाला है यहाँ पे भी लाइट का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लाइट कैसे लगाएंगे वो हम बताएंगे आपको बाद में जब ये पूरा रेडी हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे पूरी सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे भी एक रूम है, वही सेम साइज़ है बस इसकी लेंथ बड़ी है। तो एक रूम ये है, आपको बाहर बाद में ले चलूँगा, बाहर पे भी काम हो रहा है अभी, तो आपको मैं खाली रूम दिखा रहा हूँ अभी जैसे हमने डिज़ाइन किया है। तो एक रूम ये है, मास्टर बेडरूम काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा रूम है, एक रूम ये है।
तो ऊपर लेंटर वेंटर सब आ चुका है और यहाँ पे भी अभी लाइट शो का काम होने वाला है। तो अभी लकड़ियाँ जो हमारी हैं, ये लकड़ियाँ वो लकड़ियाँ हैं जो लकड़ियाँ हम काफ़ी पहले यूज़ करते थे अपने पुराने घर में। तो उन लकड़ियों को हटा के इन्होंने यहाँ पे सब लकड़ियों का काम होगा, टेबल वगैरह बेड वगैरह सब बनेंगे। तो ये एरिया, अब यहाँ से आप बाहर आओगे तो यहाँ पे भी डोर लग चुके हैं, पाइप वगैरह रखी हुई है, यहाँ पे भी डोर लग चुका है। और ये है वॉशरूम, तो वॉशरूम का भी सारा सामान आ चुका है, वॉशिंग बेसिन वगैरह सब आ चुका है। यहाँ पे भी वॉशरूम काफ़ी बड़ा है, ऊंचा लगा रहा है काफ़ी, ठीक है। पाइप्स वगैरह सब आ चुकी हैं। सो गाइस, ये भी एक वॉशरूम है, ठीक है। हर जगह से वेंटिलेशन है और यहाँ पे खिड़कियाँ वगैरह सब लग चुकी हैं। अभी यहाँ पे भी काम चल रहा है, यहाँ से आप देखोगे यहाँ से आपको रेलिंग लगी हुई मिलेंगी सारी। और ये अब नीचे थे अभी, तो यहाँ से ऊपर आओगे फर्स्ट फ्लोर हमारा ये है, तो यहाँ से आपको पूरा व्यू दिखाई देगा पूरा एरिया। तो यहाँ पे भी रेलिंग भी लग चुकी है सारी, पूरी रेलिंग लगी हुई है इस साइड से भी, ठीक है। अभी हम चलते हैं, तो अभी ये हमारा एक हॉल है, इसके अलावा ऊपर लेके चलते हैं। तो ये है अभी, इसके ऊपर एक और रूम बनेगा, सेम यही डिज़ाइन जो फर्स्ट फ्लोर का को दिखाया मैंने, वही सेम डिज़ाइन यहाँ ही बनेगा। यहाँ पे भी जोर शोर से काम चला हुआ है, ये सारे दरवाजे भी रेडी हो चुके हैं, अभी दरवाजे लग रहे हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो आप रेलिंग देख रहे हैं ये लगेंगे हमारे सेम फ्लोर, यहाँ का रेलिंग सब लगा चुका है, ठीक है। तो ये रेलिंग अभी और आगे जाएंगे वहाँ तक, ठीक है। तो अभी जो ये है ये अभी फिक्स कर रखा, खाली ये जाएगा इसके ऊपर वाले माले पर, जो डिज़ाइन आपको अभी नीचे दिखाया वही डिज़ाइन सेम ऊपर रिपीट होगा, तो ये उसके लिए रेडी हो रखे हैं। तो ये अभी फिक्स कर रखे हैं, ये जब रेडी जाएगा ऊपर का तब उसके ऊपर लगेगा। अभी आपको ले चलता हूँ पीछे, पीछे भी क्या बन रहा है। अभी यहाँ पे हर जगह लाइट्स लगेंगी, ठीक है। सो अभी एक जगह है यहाँ पे, यहाँ पे अभी सबसे मेन काम होना बाकी है, यहाँ पे ले लेंगे सारे रेलिंग्स, ठीक है। और यहाँ छोटा गेट बनेगा, उस गेट के बाहर आपका यहाँ गार्डन रहेगा, ये एरिया हमने गार्डन का रखा है। तो यहाँ पे इस लेवल को हम लेके आएंगे मिट्टी तक लेवल का, और यहाँ पे पूरा गार्डन होगा, ठीक है। या फवारा भी कह सकते हैं, फवारा भी लगा सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे भी बन रहा है स्टोरूम, जिसे कहते हैं ये पूरा का पूरा स्टोर रूम बन रहा है यहाँ पे, तो रूम भी कह सकते हो आप, ठीक है। इतना बड़ा स्टोर रूम बन रहा है, बट यहाँ पे हम रूम भी कह सकते हैं। तो ये रूम पूरा ऊपर तक जाएगा, उस एरिया तक वही पूरा कवर होगा उसके ऊपर तक, ये लेवल पूरा ऊपर तक आएगा। और ये है, तो अभी यहाँ पे काम होना बाकी है अभी, ठीक है। और इसके ऊपर टॉप में जो रहेगा, ये जो फ्लोर है ये फ्लोर रिपीट होगा, इसके बाद टॉप पे एक रहेगा, वहाँ पे रहेगा सीधा उस रोड से लेकर उस रोड के बराबर पूरा एक पार्किंग एरिया, जहाँ पे गाड़ी सीधा आएगी और पार्क होकर सीधा आगे तक जाएगी। तो यहाँ पे भी अभी हर जगह से वेंटिलेशन पापा ने दे रखी है, तो यहाँ पे भी अभी शीशे और जालियाँ लगेंगी, डबल जाली लगा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हैं ये रेडी हो चुका है पूरा लकड़ी का, तो ऐसे ही ये पूरे रेडी हो रहे हैं अभी, और डोर हर जगह लगे हुए हैं। ये सनमाइका कैसा लगा आपको बताना, ये मैंने एक्चुअली चूज़ किया था थोड़ा सा पहाड़ी स्टाइल की वे में, कि ऐसा कुछ होना चाहिए, तो इसलिए मैंने यूज़ किया। तो अभी ये जो ये एरिया आप देख रहे हो, जब ये वाला एरिया देख रहे हो, ये एरिया पूरा खुला रहेगा ताकि रोशनी के लिए, ऊपर रहेंगे जाली, तो ये एरिया पूरा खुला ही रहेगा एक तरीके से। ये एरिया यहाँ से पूरी जाली लगेगी ताकि रोशनी अंदर आए, ठीक है। तो गाइस ये है अभी फिलहाल के लिए, और अभी आपको और चलता हूँ। काम भी काफी जोर से लगा हुआ है पिछले 3 साल से, जब छुट्टी मिलती तब आते हैं, तभी काम स्टार्ट होता है। तो ये है,
तो आपको भी यहाँ से ले चलता हूँ उस जगह पे, जो वो जगह है उस जगह पे आप देख रहे होंगे वो है केयर टेकर, जो केयर टेकर होगा जो इस घर को देखेगा उसके रूम बन रहे हैं वहाँ पे, जो वो एरिया है वहाँ पे दो रूम है, उसके ऊपर लेंटर लेगा, उसके ऊपर छत होगी, तो वो उसके लिए रूम बन रहा है, लेटरिन वॉशरूम बाथरूम सब वहीं पर ही है, अंदर ही है, अटैच है, और एक किचन होगा, तो वो वहाँ रहेगा और यहाँ से वो इस घर की रखवाली करेगा, ठीक है। और फिलहाल के लिए अभी यहाँ पे काफ़ी काम होना बाकी है, ठीक है। आपको मैं अगर दिखाना चाहूँ तो ये जो आप देख रहे हो ये लेवल, ये चीज़ जो ऊपर बनी हुई है यही चीज़ ऊपर ही बनेगी, ठीक है। ये फिर ये, इसके बाद एक और बनेगा, उसके ऊपर छत बनेगी, जो छत बनेगी उस पर गाड़ी पार्क होगी, पूरा पूरा पीछे से लेकर आगे तक पूरी गाड़ियाँ पार्क होंगी, कम से कम 6 गाड़ियों की पार्किंग रहेगी, 6-7 गाड़ियाँ, बाकी पूरी फील्ड उधर है, वहाँ पर आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं अपनी, ठीक है। तो ये है, सो गाइस अभी ये फिर आपको दिखा दिया, तो इस पर अभी काम होना है और जल्दी कंप्लीट होगा, तो काम भी काफ़ी ज़ोर से लगा हुआ है और काफ़ी बड़ा काम पापा ने उठाया हुआ है अपने हाथ में, और डिज़ाइन सब पापा का है, पापा ने जो डिज़ाइन बनाया है, ठीक है, ये पापा का डिज़ाइन है और इस डिज़ाइन के चलते पापा ने बहुत अच्छा डिज़ाइन बनाया हुआ है, बहुत खुला जिसे हम कह सकते हैं, ये हमारे बस की बात नहीं थी, सीरियसली बताऊँगा, क्योंकि हम डिज़ाइन हम जैसे बनाते हैं, मिस्त्री से काम करते हैं, हमें नहीं पता कि कैसे कैसे काम होता है, पापा को हर एक इंच का पता है कि कहाँ से कहाँ सामान लगाना है, तो पापा ने काफ़ी अच्छा डिज़ाइन पापा ने ये बनाया हुआ है घर का, ठीक है। तो ये हमारा घर है, तो जल्दी से रेडी होगा गाइस, और अभी इसमें थोड़ा काम हुआ है, जब काम हो जाएगा इसके बाद ये घर शानदार लगने वाला है, और ऐसा घर जो भी लोग भी नैनीताल आते हैं, इसके बाद अल्मोड़ा आते हैं, अल्मोड़ा के बाद आपको भी अगर ऐसा घर जैसा घर अभी हम बना रहे हैं ऐसा घर कहीं दिख जाएगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना कि मुझे ऐसे बढ़िया घर कहीं दिखाई दिया, तो मैं उस हट की बात नहीं करूँगा जैसे हट डिज़ाइन में ऐसे लोग बनाते हैं, वो हट डिज़ाइन मैं नहीं बात करूँगा, मैं उस डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ जो डिज़ाइन सबसे यूनिक है, जो मतलब लेंटर के साथ डाला हुआ डिज़ाइन है, तो पापा का कंसेप्ट अभी बहुत तगड़ा है इसमें, ठीक है। अभी लाइट्स वगैरह बहुत कुछ होना है इसमें काम भी, और आप जिस एरिया में आप खड़े हैं अभी, मैं यहाँ खड़ा हूँ इस एरिया में जितने भी कॉर्नर्स आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लगेंगे लाइट्स हैं, और इसके बाद यहाँ पे हमारा प्लान है कि स्विमिंग पूल का, ठीक है। ये जो एरिया है आप 3 खेत देख रहे हैं, जो ये एरिया पूरा स्विमिंग पूल का रहेगा, तो यहाँ से ये गेट अभी के लिए बंद कर रखा है फिलहाल के लिए, तो ये बंद होगा, इसको हम तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद यहाँ से गेट बनेगा सीधा नीचे स्विमिंग पूल की तरफ, ठीक है। तो जो ये एरिया है इसको हम कवर भी करने का सोच रहे हैं, कि ये कवर भी करेंगे एरिया को बाद में इन फ्यूचर, कि जिसमें कवर भी करेंगे, और यहाँ पे एरिया में पूरा चेयर लगा के आप आग से सकते हैं। तो ये है रवि, यहाँ पे रवि यहाँ 2-3 आया है तो ये जो एरिया है ये पूरे का पूरा स्विमिंग पूल रहेगा, उनके माइंड में ऐसा डिज़ाइन था बहुत टाइम से, और पापा ने ये बिना किसी आर्किटेक्ट डिज़ाइन के पापा ने ये पूरा काम ख़त्म किया अपने बलबूते पे, तो ये बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। पापा ने इतना अच्छा डिज़ाइन पापा ने रेडी करा और काफ़ी अच्छा लगने वाला है गाइस, आप देख सकते हो। तो गाइस आपको कैसा लगा घर का नक्शा और पापा का डिज़ाइन, तो मुझे बताइएगा ज़रूर। अभी आगे का व्लॉग आने वाला है, ठीक है, वो जो व्लॉग होगा वो व्लॉग काफ़ी स्पेशल है, और उसके साथ साथ जो भी, हाँ आ रहा हूँ, आप पहुँच भी गए ऊपर, चलो गाइस हम चलते हैं अभी, हमको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।